ऑन हुए हैं एक ऐसे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में जहाँ पे स्मेल्टिंग गिव्स अस अल्ट्रा ओपी एंचेंटमेंट्स। तो गाइस ये मेरी पहली वॉइस ओवर वाली वीडियो होने वाली है, हिंदी वॉइस ओवर वाली। सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फिलहाल तो मैं बहुत वोट तोड़ रहा हूँ। लॉक्स डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है माइनक्राफ्ट में, क्या करें, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। चलो तो प्लैंक्स बन गए, क्राफ्टिंग टेबल बन गया, थोड़े से टूल्स बनाए मैंने, स्टिक्स और टूल्स। अभी पहले आयरन गोलेम को ढूंढे, उससे हमको बहुत आयरन मिलेगा और हम आयरन की पिकैक्स बना सकते हैं। चलो दिख गए भाई, गोलेम जी दिख गए, अभी उनको मारना है। पर हमको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, पर ठीक है कुछ तो करेंगे। अरे भाई भाई लगा, अरे भाई मुझे भी पढ़ा रहे, भागो भागो भागो। 1 2 3 अरे यार अभी नहीं आ रहा है यार, क्या इंसान है, सॉरी। अरे अरे यार मर गया। ठीक है चल टूल्स लेते हैं, इसको मारना बहुत कितना डिफ़िकल्ट है यार कसम से। सर टूल्स लिए, पर एक बार ये आयरन मिल गया ना तो मजा ही मजा है। चलो ये तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं। अभी 1 2 3 यस आ जा यस 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 यस। मर रहा है भाई। भाई मेरी एक्सी टूट गई। शे ओके फाइनली गाइस हमको आयरन मिल चुका है, चलो हम उसे लेते हैं। कितना आयरन मिला बाय द वे, 3 मिला हो तो अच्छा है, भाई 4 मिला। भाई भाई उससे एक तो पिकैक्स तो बनी जाएंगी और एक शील्ड भी बन सकती है, ओपी। चलो थोड़ा खाने की व्यवस्था करते हैं, इधर बहुत है बेले भाई। ब्रेड तो पाव तो कितना बनेगा रे, मुझे ब्रिटानी पाव बहुत पसंद है, आपको कौन सा पसंद है वो कमेंट करो। चलो थोड़ा पाव बनाते हैं, क्योंकि 17 पाव ओके नहीं 64 भी है, स्टैक है भाई बहुत है। एंडर ड्रैगन को मारने तक बहुत पाव खाएंगे। चलो अभी आई थिंक हमको माइनिंग करने की ज़रूरत है। अभी इधर भी पाव मिला, सही है, अभी सोते नहीं। अरे यार विलेजर आ गया, वे हट रे मुझे सोने दे। चलो बेड तोड़ो और चलते इधर से माइनिंग के लिए। थोड़ा कॉबल भी जमा करते हैं, क्योंकि भाई क्लेरिक के पास तो बहुत कॉबल स्टोन है, तो हम लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। से भी विलेजर्स के घर को डिस्ट्रॉय करने में जो मज़ा आता है ना गाइस, लिटरली वो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। चलो अभी कॉबल की पिकैक्स बनाते हैं एक, क्योंकि नहीं पहले तो फर्नेस चाहिए। चलो स्मूथ स्टोन बनाने की ज़रूरत है हमको, क्योंकि हमको स्मेल्ट करना है और हमको पता है कि ब्लास्ट फर्नेस में ही हमको स्मेल्ट कर सकते हैं, रेगुलर फर्नेस में नहीं होता, इसलिए हमको तो क्राफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है नहीं मिला गाइस, मेनी आवर्स लेटर। अभी स्मेल्ट करते थोड़ा आयरन लेते हैं, उससे आयरन के टूल्स बनाते हैं। फर्नेस बन जाएगी, यस बन जाएगी। पहले तो हम सब ये आयरन स्मेल्ट करते हैं, उसके बाद फर्नेस लेते हैं और ब्लास्ट फर्नेस का निर्माण करते हैं। एक बार ब्लास्ट फर्नेस मिल गए ना तो मजा ही मजा, फटाक से हो जाएगा ये।
चलो वेट करते हैं थोड़ा। आर्मर भी बनाएंगे क्योंकि फॉर्च्यून अगर मिला हमारे पिकैक्स को तो हम डायमंड माइन करने के लिए भी जाएंगे, उससे हमको बहुत सारे डायमंड्स मिलेंगे, लिटरली बहुत सारे। तो हमारा डायमंड का आर्मर भी होगा, टूल्स भी होंगे, तो ये बन गए हमारे ब्लास्ट फर्नेस एंड वी आर रेडी टू गो, वी आर गुड टू गो। और एक शील्ड भी बनाते हैं ना गाइस, हमारे पास इतना आयन तो शील्ड भी बनाते हैं ना, और प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर आयन आयन से शील्ड बनाया एंड यस ग्रेट। मैं थोड़ा सा एन्चारमेंट देखते हैं, अगर हमको अच्छा मिला, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, कौन सा मिलेगा कौन सा मिलेगा कौन सा मिला रे। फायर एस्पेक्ट नहीं, नहीं चाहिए फायर एस्पेक्ट भाई, मुझे शार्पनेस दे दो या लूटिंग दे दो, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है आपको पता चलेगा। लूटिंग मिल गए भाई, बोला और मिल गई, मेरा लक अच्छा है। अब इधर देखते हैं क्या, सिलेक्ट टच नहीं, इफिशियंसी चाहिए मुझे। मेंडिंग, अरे यार मेंडिंग मेंडिंग की क्या ज़रूरत है मुझे, ठीक है। पर एटलीस्ट मुझे लूटिंग तो मिली, लूटिंग क्योंकि लूटिंग लेवल 1000 से जब हम ब्लेजेस को पटाखा देंगे तो वो बहुत सारे ब्लेजेस ड्रॉप करेगा, इससे हमको एक ही ब्लेज को मारने की ज़रूरत होगी। चलो थोड़े से स्टिक्स बनाते हैं, और ये बन गई हमारे ब्रांड न्यू आयरन की पिकैक्स। यस उस पर हम मुझे फॉर्चून चाहिए डायमंड माइन करने के लिए। ये हो गया आयरन के स्वॉर्ड। ए विलेजर क्या देख रहा है भाई, अरे ये तो कन्वर्ट हो गया आर्मर आर्मर, ठीक है चलता है। अभी पहले पिकैक्स को देखते हैं, पिकैक्स क्या मिलेगा। फॉर्च्यून भाई, भाई मेरा लक कितना है, मैं जो बोल रहा हूँ वही मिल रहा है मुझे। इधर शार्पनेस चाहिए मुझे, शार्पनेस फायर एस्पेक्ट नहीं, शार्पनेस शार्पनेस दे दो दे दो दे दो, फायर एस्पेक्ट नहीं दे दो, शार्पनेस पर चाहिए, स्वीपिंग एस नहीं चाहिए। यस शार्पनेस लेवल 1000, यस भाई मेरा लक माइनक्राफ्ट में बहुत ही अच्छा है, कसम से लिटरली। इतना लक आपका भी है क्या, चलो ये तोड़ो स्टोन के पिकैक्स से। और मैंने डिसाइड किया आयरन की पिकैक्स से सिर्फ डायमंड ही माइन करूँगा, बाकी कुछ भी नहीं माइन करूँगा। चलो इफिशियंसी 1000 के एक्स से करते थोड़ा सा ट्री को कट, सॉरी विलेजर के घर को कट। हाँ ट्री ट्री भी दिख रहा है, चलो अभी माइनिंग करते हैं, डायमंड की माइनिंग करेंगे। एक भी डायमंड का और दिख जाए ना तो भाई जन्नत। नीचे चलो नीचे चलो, स्टेयरकेस में थोड़ा अच्छा है पर वाई लेवल 12 को डिग डाउन। तो इधर पहुंच गए, ऊपर आ गए हम, और लूटिंग है शापने से सब है। अभी थोड़ा टूल्स बनाते हैं डायमंड के, और टूल्स बनाने के साथ आर्मर भी बनाना है, उसको एन्चेंटमेंट भी करना है, तो बहुत काम बाकी है भाई। पहले आयरन को स्मेल्ट करते हैं और क्राफ्टिंग टेबल, यस डायमंड का चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, ये हो गए बूट्स और हेलमेट, यस ये तलवार बहुत हो गया, अभी अभी के लिए बहुत हो गया। अभी थोड़ा स्मेल्टिंग करते हैं, अभी यार जो यूजलेस थिंग्स है वो डाल देते हैं लावा में। ठीक है, ये अभी तक तो हमारा मिशन सक्सेसफुल है। अभी स्वॉर्ड को क्या मिलता है देखते हैं, बेन ऑफ अदरवाइज नहीं चाहिए, बकवास बेन ऑफ अदरवाइज नहीं, बकवास। लूटिंग, यस लूटिंग मिली, डायमंड की लूटिंग मिली, तो स्टोन की लूटिंग की क्या ज़रूरत है भाई, बोलो। शार्पनेस लूटिंग, ये बहुत लेजेंडरी स्वॉर्ड्स है,
प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मुझे थॉर्न्स और प्रोटेक्शन चाहिए, ये तो सबसे बहुत ओपी है। प्रोजेक्टर नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन 4 दे दो, सॉरी प्रोटेक्शन लेवल 1000 दे दो। ठीक हो गाइस, मुझे थॉर्न्स मिला और बाकी सब आर्मर में मैंने प्रोटेक्शन लगाया। सर ये तो हो गया, मेन काम तो हो गया चमकीला आर्मर, और शील्ड को भी करते हैं ना गाइस। शील्ड बेचारा अकेली रह गई, मेंडिंग और अनब्रेकिंग, ठीक है अनब्रेकिंग अच्छा है, अनब्रेकिंग से टूटेगी ही नहीं, कभी भी नहीं टूटेगी। ठीक है, ये बेसिक काम तो हमारे हो गए, अभी हमको ऊपर जाने का है। पहले तो बकेट क्राफ्ट करते हैं गाइस, बकेट, क्योंकि नेदर में पे जाना है। अरे एक और बकेट, यस चलो, ये हमारे दोनों बकेट हो आ चुके हैं, अभी हम ऊपर चलते हैं। चलो गाइस हम ऊपर आ गए हैं, अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं ना। अगर हमको रोइन पोर्टल मिल जाए या लावा लेक मिल जाए ना तो बहुत मज़ा आएगा। ये देखो हम इधर पहुँच गए, और ये नेदर रुइन नेदर पोर्टल मिल गए। अभी चेस्ट में देखते क्या है, क्योंकि मुझे लूट से मतलब है, बाकी से बाकी सब से नहीं। ये क्या है भाई, फ्लिंट मिला है, फ्लिंट की ज़रूरत है। एक मिनट, चेस्ट में आई थिंक गोल्डन हेलमेट भी था, यस ये नेदर में काम आएगा। थॉर्न्स वन, ओके भाई ओपी। ये गोल्ड का हमको ये मिल गया हेलमेट, तो बहुत है। अब हमको क्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। ओके अभी मैंने गाइस आइडिया की, मैंने डायमंड की एक पिकैक्स बनाई और उस पर इफ़िशियंसी लेवल 1000 लगाया। उससे क्या होगा पता है, जो हमको ऑब्सीडियन की माइनिंग की स्पीड होगी ना वो तो बहुत बढ़ जाएगी। ये मैंने थोड़ा आइडिया बिग ब्रेन का यूज़ किया है तो अच्छा है। अभी ये देखो एक शॉट पे जब ऑब्सीडियन आ रहा है भाई, ओपी भाई ओपी। इफ़िशियंसी क्या काम करती है, इफ़िशियंसी लेवल 1000। बहुत है, चलो नेदर में चलते हैं अभी। एक दो तीन, और अरे भाई मैंने भूल गया कैसे बनाने का। ओके एक दो तीन, नीचे भी एक, एक दो तीन, ओके और भी ऊपर एक बनाने का। यस भाई हम तो अमीर है, हम तो सब यूटिलाइज करेंगे नेदर, नेदर के लिए सब ऑब्सीडियन यूटिलाइज करेंगे। जो हम नेदर में चलते हैं फटाक से। अरे यार कौन सी घटिया बायो में स्पॉन हुआ हूँ, सोल सैंड वाली यार। क्यों क्यों कि क्यों ऐसा करते हो यार माइनक्राफ्ट, इतना मैं लकी था डायमंड के माइनिंग सेशन में, ऐसा स्पॉन क्यों देते हैं। चलो गाइस मैं स्पॉन से इधर दूर आ चुका हूँ, और थोड़ा पिगलिन से ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग शेडिंग। अगर हमको मिला एंडर पर्ल्स तो अच्छा है, नहीं मिला तो हमको लूटिंग से मिल जाएगा, मतलब एक एंडरमैन को मारेंगे और हमको अनगिनत पर्ल्स मिल जाएंगे, तो कुछ टेंशन की बात नहीं है। पर थोड़ा सा ट्रेनिंग करते हैं ना, वो भी बहुत इफ़िशेंट वे है पर्ल्स देने का, और हमको फायर रेजिस्टेंस का पोस्टर भी मिलता है तो वो अच्छा है। चलो जाते हैं भाई, फॉर्च्यून से ब्रेक करेंगे तो हमको बहुत सारे नगेट्स मिलेंगे गोल्ड के। फॉर्च्यून यस, चलो भाई बोला था भाई मुझे, भाई तुम्हारे भाई को पता है माइनक्राफ्ट का सब रूल्स पता है, प्रो प्लेयर है भाई प्रो। चलो इतने काफ़ी होंगे, अगर चाहिए तो और भी माइन करेंगे। बहुत नीचे हमको, हमारे पास बहुत पड़ा है नगेट्स। चलो क्राफ्टिंग टेबल और गोल्ड के इंगेट्स क्राफ्ट करते हैं फटाक से। ये बना एक इंगेट, चलो 18 इंगेट्स हमने बना, हम बना चुके हैं गाइस। अभी पिगलिंग को ढूंढते हैं। चलो भाई दे दो ना, दे दो एंडर पर्ल दे दो प्लीज़, नहीं दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगा, मतलब मेरा सब मेहनत वेस्ट होगा ना। ये कौन सा पोर्शन देना, इधर वाटर बॉटल दिया, ज़रूरत का सामान ही नहीं दिया। चलो गाइस फिर से और एक रुइन पोर्टल मिला इधर मुझे, क्योंकि मेरा पोर्टल बहुत दूर है, उसको मैंने पहले तोड़ भी दिया था क्योंकि मुझे वो स्पॉन नहीं चाहिए, इसलिए इसको कंप्लीट करते हैं। वी कैन कंप्लीट दैट पोर्टल, क्योंकि हमारे पास 13 ऑब्सीडियन है और एक भी क्राइंग ऑब्सीडियन नहीं लगा है ऊपर, तो अच्छा है। चलो कंप्लीट करते हैं पोर्टल को और चलते हैं हमारे ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि गाइस हमको एंडरमैन का ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस पिगलिन भैया ने तो नहीं दी भाई। माइनक्राफ्ट 1.16.5 में क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, कि हमको
चांसेस हमको कम्यून कम हो जाते हैं पिगलिन के, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी हम चलते हैं अभी ओवरवर्ल्ड में और देखते हैं हमको एंडरमैन मिलता है कि नहीं। अगर मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो देखते हैं भाई आगे का आगे देख लेंगे। फिलहाल ओवरवर्ल्ड में चलते हैं, लेट्स गो। चलो आ चुके हैं हम, अभी एंडरमैन को ढूंढते हैं। फिलहाल तो सुबह है पर ठीक है, मिलेगा एक भी मिल, एक मिल गया ना तो बहुत है, तो एक्सप्लोर करते हैं। चलो गाइस, मुझे एक एंडरमैन मिल चुका था, उसको मैंने लूटिंग से मारा तो मुझे बहुत मिल गए थे, इसे 16 का एक स्टैक उठाया मैंने। अभी मेरा और एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, अभी लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा है वो ब्लेस रॉड्स कलेक्ट करना, तो वो तो बहुत ईजी है। इन मिडअप फोर्टस में जाने का, ब्लेस स्पॉनर मिलते तो अच्छा होगा, चलते हैं वहाँ। यस यस गाइस, मिल गए हमको। आई थिंक हमारा लक है ना इस माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में थोड़ा सा ज़्यादा ओवर पावर्ड है, जैसा स्मेल्टिंग है तो। अरे चलो भाई, हमको बहुत ब्लेस रॉड मिल चुके हैं एंड हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। चलो हम ओवरवर्ल्ड में आ चुके हैं, थोड़े ब्लेस पाउडर क्राफ्ट करते हैं फटाक से। ये मिले ब्लेस पाउडर्स और आई ऑफ एंडर भी क्राफ्ट करते हैं। मैं लकी है, ये सब मेरा माइनक्राफ्ट गेम पे बहुत लकी है क्योंकि मुझे सबसे राइट एंचारमेंट पे मिले एकदम फटाक से, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ा मुझे ये रिकॉर्ड करने में। चलो ये हो गए हमारे आई ऑफ एंडर एंड आई होप ये हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड आसपास ही होगा तो अच्छा होगा। और क्राफ्ट करते 32 इज सफिशियंट आई गेस, यस 32 इज सफिशियंट। बाकी एंडर पर्ल्स हम एंडर ड्रैगन फाइट के लिए रख देते हैं। चलो अभी चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। बाकी सब रेडी? यस।